आरण्य प्रेम टाइम में आपका खैर मकदम है। और आज के दिन हम बारामूला डिस्ट्रिक्ट के लिए पावर सप्लाई जो है, बिजली का निज़ाम जो है, इंतज़ाम जो है, या अगर कोई शिकायत है, इंतज़ाम है, तो उसके बारे में सोचा कि उस पर बात करें। और आपको अब मिलवा रहे हैं हमारे आज के मेहमान इंजीनियर दलबीर सिंह, जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं पीडीडी बारामूला। जो बिजली का मामला है उसको देखते हैं। दलबीर सिंह इंजीनियर साहब का मैं इस्तकबाल करता हूं। आदाब सर, आदाब जी, आदाब। वेलकम सर, और बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि जब हम कहते हैं कि पीडीडी बारामूला, ये एरिया क्या बनता है, ये जुरिस्डिक्शन आपकी, ये कौन कौन से एरियाज आते हैं जिनको आप देखते हैं? जी हाँ, ये मैं आपको इसको बता दूं कि जो मेरा मैं जिसको मैं देखता हूँ उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डिवीजन बारामूला, केपीडीसीएल। तो इलेक्ट्रिक डिवीजन बारामूला में अगर हम देखें तो इसमें एक तो उड़ी का सब डिवीजन, हमारे 5 सब डिवीजन है, तो एक सब डिवीजन का नाम है उड़ी सब मोहरा सब डिवीजन, जिसको उड़ी की तहसील और बुनिया तहसील को देखता है। उसके अलावा जो हमारा बारामूला फर्स्ट एंड बारामूला सेकंड, दो और सब डिवीजन हैं, वो बारामूला टाउन्स को देखते हैं, नारवा एरिया को देखते हैं, यहाँ से दिलना एरिया तक देखते हैं बारामूला फर्स्ट, और बारामूला सेकंड जो है वो ओल्ड टाउन को देखता है और घंटामूला वाला साइड भी देखता है। तो इसके अलावा जो हमारा फोर्थ सब डिवीजन है, दैट इज ए वागुरा सब डिवीजन, वो वागुरा तहसील, करेरी तहसील को और चंदूसा एरियाज वगैरह जो कंडी एरिया है उसको देखता है। इसके अलावा जो हमारा लास्ट फिफ्थ सब डिवीजन है, दैट इज ए बतरगाम सब डिवीजन, तो बतरगाम सब डिवीजन जो है वो रफियाबाद एरिया को देखता है, जिसमें रहामा तहसील और बतरगाम तहसील वगैरह जो है वो शामिल है। थैंक यू, ये हमारी जानकारी के लिए। और अगर इस पर मैं सवाल पूछूं कि जो 5 सब डिवीजन आपने बताए, जी 2000 2021 जुलाई का महीना चल रहा है, क्या ये पूरे इलाके हर बस्ती में बिजली है, या अब भी इसमें कुछ गांव हैं जहां तक आप नहीं पहुंचे हैं? नहीं, हम ऑलमोस्ट सभी जो बस्तियां हैं, जो गांव हैं, जो हैबिटेशंस हैं, सभी की सभी इलेक्ट्रिफाइड हैं। हाँ, कुछ बस्तियां नहीं निकली हो सकती हैं, जैसे इक्का दुक्का घर को गांव से, बस्ती से बाहर निकल के मकान बनाते हैं, वो टाइम टू टाइम अनइलेक्ट्रिफाइड होते हैं, पर उनको भी इलेक्ट्रिफाई किया जाता है। किया तो जाता ऐसा है। ऐसा कोई हैबिटेशन जिसको हम फुल्ली हैबिटेशन कहें, अनइलेक्ट्रिफाइड है, ऐसा कुछ अभी हमारे पास नहीं। यानी आपके 5 सब डिवीजन 100% इलेक्ट्रिफाइड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, हमारे सभी हैबिटेशंस इलेक्ट्रिफाइड हैं। सिर्फ मैंने आपको यह कहा कि जो कोई नई बस्ती, टाइम टू टाइम लोग नए मकान बनाकर बस्तियों से बाहर निकलते हैं, वो कोई इक्का दुक्का ऐसे कोई घर हो सकते हैं, वो भी हम टाइम टू टाइम उनको इलेक्ट्रिफाई करते रहते हैं। इंजीनियर दलबीर सर, मेरा आपसे सवाल पहला यही होना चाहिए। पिछले 2 साल से आपका एक खास काम जो आपकी प्रायोरिटी रही होगी, ऐसा मेरा मानना है, वो है कोविड-19 में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं जिनके लिए 24 आवर्स का एसेंशियल सर्विस यकीनी बनाना। इस पर आप अपनी बात कहिए, क्या रहा बारामूला 5 सब डिवीजन्स में, कितने कोविड सेंटर्स हैं, क्वारंटीन सेंटर्स हैं, या कुछ खास यूनिट्स हैं ऑक्सीजन के या दूसरे, उनकी तफसील क्या है? जी हाँ, मैं इसके बारे में पहले आपको ये बताऊं कि सबसे बड़ा हमारा जो कोविड सेंटर है बारामूला में, वो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अलावा बारामूला में एक और कोविड फैसिलिटी है, जिस पर ज्यादा कोविड पेशेंट्स को रखा जाता है, वो है इंडोर स्टेडियम डिग्री कॉलेज बारामूला। जो इंडोर स्टेडियम डिग्री कॉलेज बारामूला है, उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया हुआ। तो हमारी सबसे पहले प्रायोरिटीज यही रही कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जहां पर भी कोविड पेशेंट्स को रखा जाता है, और जो इंडोर स्टेडियम है, जो कोविड फैसिलिटी है, वहां पर भी कोविड पेशेंट्स को रखा जाता है, वहां पर 24x7 पावर सप्लाई अवेलेबल रहे। तो वो हमने अपनी हतमकाम कोशिश की कि वहां पर 24x7 पावर सप्लाई रहे। इन एडिशन टू वहां पर बैकअप भी, जनरेटर बैकअप भी था, जिसकी वजह से पेशेंट्स को हम अच्छे तरीके से बिजली सप्लाई प्रोवाइड कर सकते, और उनकी जो कोविड फैसिलिटीज थी या कोविड रिक्वायरमेंट्स थी, जैसे ऑक्सीजन प्लांट्स थे,
जैसे उनको ऑक्सीजन की सप्लाई थी उसमें कोई खलल ना पड़े, उसके लिए हमने, हमारे एम्प्लाइज ने, हमारे स्टाफ ने दिन रात मेहनत करके, जब भी अगर रात के समय भी रिक्वायरमेंट पड़ी तो उसको हमने, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अपने स्टाफ ने, हमारे ने काम किया और पावर सप्लाई को रिस्टोर किया। वर्दी इंजीनियर, क्या इस प्रोग्राम में ऊटी जैसे इलाकों में छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं या सेंटर्स हैं, उनका भी ख्याल रखा गया या ख्याल रखा जा सका? जी बिल्कुल, मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि उड़ी में हमारे इस्लामाबाद में ट्रेड सेंटर पर, वहां पर भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। मोहरा में भी एक PHC है, वहां पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। इसी तरह से वारीखा एक जगह है अपने जेल, LJHP हॉस्पिटल के पास, लोअर जेल पावर हाउस के पास में, वहां पर भी क्वारंटाइन सेंटर था। इसके अलावा बहुत सारे PHCs को भी क्वारंटाइन सेंटर में कन्वर्ट किया गया था। जिस तरह से दिल्ली पब्लिक स्कूल दिलना है, वो भी क्वारंटाइन सेंटर में कन्वर्ट हुआ था। इन सारी जगहों पर जो भी रिक्वायरमेंट्स थी पावर सप्लाई को रखने की, या कहीं पर बैकअप प्रोवाइड करने की, या बैकअप को असिस्ट करने की, वो सारी की गई और लोगों को क्वारंटाइन के टाइम पर और कोविड के टाइम पर ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड। अब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ आऊंगा। वो ये है कि एक बाजाब्ता एक मरकजी स्कीम चली थी जो शायद अब क्लोज भी हो चुकी है, उसका आपके डिस्ट्रिक्ट ने इन 5 सब डिविजन्स में आपने कितना फायदा उठा पाए हैं उस स्कीम का, ऑगमेंटेशन का, वो जो करना था क्या हुआ या आप कौन हमने सी, ज्यादा? तला साहब, आप स्कीम का नाम बताएं कि कौन सी स्कीम के बारे में, क्योंकि बहुत सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चल रही हैं, तो मैं स्पेसिफिकली उसी स्कीम के बारे में आपको बताऊं। हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन उसको बेटर करने के लिए, और जहां दरख्तों पर से तार गुजर रही है उन चीजों को देखने के लिए बिल्कुल सरकार ने, वो एक स्कीम सेंटर से आई थी। जी जी हाँ, मैं इसके बारे में आपसे बताऊं कि ये जो स्कीम जिसके बारे में शायद आप हिंट कर रहे हैं, वो है बार्बर्ड वायर स्कीम। तो बार्बर्ड वायर स्कीम में यही था कि जो भी हमारे वुडन पोल्स हैं, डेटोरेटेड पोल्स हैं, या जहाँ पे कहीं वुडन सपोर्ट्स हैं, या अंडर साइज कंडक्टर है, उसको रिप्लेस करने के लिए स्कीम बनाई गई। तो उस स्कीम को हम लोगों ने बनाया है, और प्रायोरिटी फर्स्ट में जो उसमें गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस थी कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके लिए ई टेंडर किया गया, और वर्क्स, वो ई टेंडर अभी रेडी है, लोगों को वर्क्स अलाट भी हो गए हैं, और वो काम जो है वो अब शुरू हो गया है। उसके लिए मटेरियल की सप्लाई जो है हमारे सेंट्रल स्टोर डिवीजन पांपोर से सप्लाई हो रही है, वो भी हम वो सप्लाई ले रहे हैं अभी। तो वो वर्क हम इस तरह से कह सकते हैं, इट इज ए ऑनगोइंग वर्क। तो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी में हमने एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं, कोई ऐसा उसमें स्कीम के, पहले मैं आपको ये थोड़ी बता दूं कि इस स्कीम में ऐसा है कि उसी एरिया को हमने चूज करना है जिसको हम 100% वुडन फ्री कर सकेंगे। जैसे अगर हमने कोई 11 KV फीडर लिया, तो उस फीडर को हमने चूज करना है जिसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी में पूरा 100% फ्री कर पाएंगे। या कोई हैबिटेशन हम लेंगे, कोई गाँव हम लेंगे, उसको हमने ये पहले करना। ये ऐसा नहीं है कि किसी जगह पे 10 पोल लगा दिए, किसी जगह पर 50% कर दिया, उसमें ऐसा नहीं है। हमारी कोशिश उसमें ये है कि, और गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस भी हैं हायर अथॉरिटी से, कि उस एरिया को, उस हैबिटेशंस को पूरी की पूरी को वुडन फ्री किया जाए, और वहां का जो अंडर साइज कंडक्टर है, या बार्बर्ड वायर है, या GI वायर कहीं पर सर्व करती है एज ए कंडक्टर, उसको रिमूव किया जाए, उसको रिप्लेस किया जाए। हाउ मेनी इनहेबिटेंट्स इन फर्स्ट फेज जो आपने देखिए टेकअप की है? जी हाँ, फर्स्ट फेज में हमारे 15 नंबर ऑफ वर्क्स थे डिफरेंट सब डिविजन्स में। तो वो हमने टेकअप किए हुए हैं, जिसमें से हैबिटेशंस पे अभी मटेरियल पहुंचना शुरू हो गया है, पहुंच भी गया है, और अभी कुछ मटेरियल आना हमारे सेंट्रल स्टोर से बाकी है। जो ही वो मटेरियल आएगा तो ये सारे काम जो है ये कंप्लीट किए जाएंगे। सर, आपको याद दिला दूं, आपके इस एरिया में जो आपके अंडर जिसको आप देखते हैं, जी बड़े बड़ी ही गुंजान आबादियां, डेंसली पॉपुलेटेड विलेजेस, टाउन्स, सब टाउन्स, कॉलोनीज हैं। अब वहां एक प्रॉब्लम रहता है, 63 का आपका ट्रांसफार्मर 100 का होना चाहिए, फिर जब पूछा जाता है कहां नहीं, नंबर तो कनेक्शंस का इतना है, ये पंगा आपके अक्सर इलाकों में है, इसको कैसे देखा जा रहा है? जी, मैं जिस जिस चीज के बारे आप कह रहे हैं, ये तो हमारी ओवरलोडिंग की इश्यूज हैं, कि हमारा कोई ट्रांसफार्मर किसी बस्ती में है तो वो डैमेज हो जाता है, तो लोग कहते हैं नहीं जी, इसकी ऑगमेंटेशन की जाए, इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए।
पर इसमें एक टेक्निकल रीजंस रहते हैं, टेक्निकल इश्यूज रहते हैं, वो ये रहते हैं, वो ये रहते हैं कि जो टेक्निकल फिजिबिलिटी बनती है इस एरियाज में ऑगोमेंटेशन की कि नहीं। तो टेक्निकल फिजिबिलिटीज मोस्ट ऑफ जगहों पे हम ये देखते हैं कि जो एक ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से जो टेक्निकल फिजिबिलिटी नहीं बनती है। इसका मतलब यह है, विद योर परमिशन ये बात आप कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर आप तक पहुंच रहा है एक हमारे मराजी बिलाल सर में, हाँ जी वीरा, बारामूला पट्टन से हूं। हमारा जो 11 केवी का जो हमारा 1947 में लगाए गए हैं, रोज रोज 11 केवी का हमारा प्रॉब्लम हो जाता है। कुछ आप पढ़ भी सकते हैं ये, इनका भी आप जवाब देना चाहें तो दे दीजिएगा। जी हाँ जी, वेरा पट्टन के बारे में मैं तो कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये मेरी जुरिडिक्शन में नहीं आता है। अच्छा, जुरिडिक्शन में नहीं। जी जी, पर इतना मैं इनको एश्योर करूंगा, जो हमारा दूसरा डिवीजन है, जो ये सुपर सब डिवीजन डिवीजन के अंडर आते हैं, इलेक्ट्रिक डिवीजन सुपर के अंडर, तो डेफिनेटली इनके भी जो वुडन पोल्स हैं, जो इनकी प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ जो लिखी हुई आ रही है, वो भी बार्बर्ड वायर में एड्रेस हो जाएगी, चाहे वो फर्स्ट प्रायोरिटी में हो चाहे सेकंड प्रायोरिटी में हो, दोनों में हो जाए, किसी में भी, ये दोनों प्रायोरिटीज में सारी इनकी इम्प्रूवमेंट हो जानी, ये पोल इनके रिप्लेस हो जाने, इसके बारे में ये अश्योर रहे। अदरवाइज इन गुंजान आबादियों के लिए जहां ये मसले हैं, आबादी बड़ी है, तो तरीका कार क्या है, कोई फॉर्मूला होगा ना कि ये 100 केवी का कहां कितने कनेक्शन या 250 कहां कितने कनेक्शन, ये कुछ समझाएंगे आप हमें? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसके बारे में जरूर कमेंट करना चाहूंगा कि ये जो गुंजान आबादियां हैं, हमारे टाउन्स हैं, इनकी HVDS पावर सप्लाई का एक सिस्टम बना हुआ है जिसको हम HVDS कहते हैं, हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो उसमें वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी RAPDRP करके, RAPDRP एक स्कीम है हमारी, जो जिसमें ये टाउन्स को टेकअप किया गया था, फीडर्स को टेकअप किया गया है, जिस तरह में कि हमारा बारामूला है उसमें भी हमारे 4 फीडर्स ऐसे हैं जो टेकअप किए गए हैं RAPDRP में, जिसमें हमारा कानलीबाग एरिया है, माइक्रोवेव फीडर है वहां पर, इसी तरह से वहां पे वो DIC फीडर है उसको भी टेकअप किया गया है, जट्टी एरिया है खजाबाग का उसको टेकअप किया गया है। तो यहाँ पर छोटे छोटे ट्रांसफार्मर्स लगाए गए हैं ताकि लोगों को रिलायबल पावर सप्लाई दी जाए। देखिए HVDIS के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, पहली तो ये है कि लोगों को ग्रुप ऑफ पीपल्स को, जैसे अगर 25 केवी का ट्रांसफार्मर लगाया गया है तो उसमें 3 लोगों को कनेक्शन दिया जाएगा, तो कहने का उसमें ये होगा कि उनको जो उनके जो लोड के हिसाब से दैट 25 केवी कैपेसिटी विल बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड पावर सप्लाई टू देम ऑन सिंगल फेज। फिर अगर 63 केवी का ट्रांसफार्मर है तो उसपे 9 घरों को पावर सप्लाई दी जाएगी, अगर 100 केवी का है तो उसपे 11 घरों को सप्लाई दी जाएगी, उनको बराबर मीटर लगाया जाएगा एंड दैट मीटर विल बी दैट मीटर इज इंस्टॉल्ड ऑन द सब स्टेशन इटसेल्फ, और सब स्टेशन से ही ट्रांसफार्मर का जो सब स्टेशन रहता है वहां से ही उनको केबल के थ्रू उनके घरों तक पावर पहुंचाया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जो भी बेयर कंडक्टर है वो कहीं पर भी पिक्चर में नहीं रहेगा, तो कहीं पर भी गुंजाइश पावर थेफ्ट की भी नहीं रहेगी और रिस्क भी नहीं रहेगा, और लोगों को पावर सप्लाई जो है बड़े अच्छे ढंग से मिलेगी, और लोगों को जो ट्रांसफार्मर जल जाता है, फॉर एग्जांपल कोई 100 केवी ट्रांसफार्मर है आज की डेट में, उस पर 20 घर हैं या 25 घर हैं, जब वो जल जाता है तो पूरे 20 के 20 और 25 के 25 अफेक्ट हो जाते हैं, चाहे उसमें 3-4 घरों की ही गलती होती है, ओवरलोडिंग होती है या थेफ्ट होती है, तो बाकी जो जेन्युइन कंज्यूमर 17 कंज्यूमर हैं, 20 कंज्यूमर हैं, वो सारे के सारे अफेक्ट हो जाते हैं। तो HVDS स्कीम में ये उनको बेनिफिट मिलेगा कि खाली 3 घरों पर ही कनेक्शन है या 9 घरों पर ही कनेक्शन है, सो दे विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ देयर एसेट, क्योंकि फाइनली ये जो एसेट्स है ये लोगों के लिए ही बनाया गया है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट उन्हीं को ही फैसिलिटेट कर रही है, तो ये सारा जो सिस्टम है उनको बेटर पावर सप्लाई देने के लिए किया गया है। तो इसके अलावा PMDP स्कीम में, अर्बन स्कीम में, और अपने IPDS स्कीम है हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसमें भी छोटे छोटे सब स्टेशन लगाए जा रहे हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बना के घरों को, ताकि उनको बेटर पावर सप्लाई मिल सके। तो ये जो गुंजान आबादी का इलाका है जहां पर भी ऐसी है, वहां पर इस तरीके से इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाता है जिससे कि लॉसेस भी कम हो जाए और लोगों को रिलायबल पावर सप्लाई दी जाए। सर अभी जो स्कीम की आप बात कर रहे हैं, इसमें काम जो दिए गए है वो आउटसोर्स किया गया है, और आउटसोर्स करके ठेकेदार को वो काम मिला है, और वो काम कर नहीं रहे हैं, पोल खड़े कर दिए लेकिन ट्रांसफार्मर लग नहीं रहा है,
इस पर क्या कंट्रोल आपका है और किस तरह आप इसको देख रहे हैं? जी हाँ, ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं इसके लिए हमारे जो एस्ट वाइल पीडीडी जिसको अभी केपीडीसीएल कहते हैं, उसमें एक अलग से विंग बनाई गई है इसको देखने के लिए, इसको मॉनिटर करने के लिए और इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए, उसे कहते हैं प्रोजेक्ट विंग। तो प्रोजेक्ट विंग्स के डिफरेंट डिवीजन्स हैं डिफरेंट जगहों पर, जैसे नॉर्थ कश्मीर में हमारा बारामूला में इलेक्ट्रिक डिवीजन पर प्रोजेक्ट डिवीजन है, वहां पर उनके एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, वहां पे एडब्ल्यूज है, पूरा सेटअप है जो इस चीज को मॉनिटर करते हैं और देखते हैं। तो इसके जो नेशनल टेंडरिंग हुई है, प्रोजेक्ट विंग ने नेशनल टेंडरिंग की हुई है, उसमें बड़ी बड़ी कंपनियों को ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीमों के वर्क्स जो हैं अवार्ड हुए हैं। तो वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, नेशनल लेवल की कंपनियां जो हैं, वो ये वर्क को एग्जीक्यूट करती हैं। इसमें एक प्रॉपर सिस्टम है कि इसमें टेंडरिंग होती है, उसके बाद मटेरियल का जो है उसका बीओ केस बनते हैं, उनकी टेस्टिंग होती है, इसके मटेरियल जो है प्रॉपरली टेस्ट होके बाहर डिफरेंट स्टेट्स में से जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं वहां पे इसकी इंस्पेक्शंस होती है मटेरियल की, फिर वो मटेरियल आता है और फिर वो मटेरियल यहाँ पे प्रॉपर ढंग से लगाया जाता है। तो इस इन स्कीमों में वो मटेरियल लगाया जा रहा है और कहीं पर फंड्स का फ्लो भी जो है वो भी देखा जा रहा है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स किसी जगह पर अगर स्लो हो जाता है, हो सकता है उसको कहीं पर फंड्स की कमी की वजह से स्लो हुआ हो, या उसकी पेस जो है उसको उसको किसी जगह किसी वजह और आरओडब्ल्यू इश्यूज की वजह से थोड़ी धीमी हुई हो, उसको उसको देखने के लिए प्रोजेक्ट विंग हमारी है, प्रोजेक्ट डिविजन्स है, वो देखते हैं एंड दे आर डूइंग देयर वर्क। अदरवाइज मुझे बताइए इंजीनियर सर, आपके डिविजन्स में, पांच डिविजन्स में जिनको आप देख रहे हैं, आप हेड कर रहे हैं, अगर किसी बस्ती में, हमें एक बात आपको याद दिला दूं, एक जो इस वक्त हम हमारी गवर्नेंस है, जो गवर्नमेंट का इस वक्त का सिस्टम है, इसमें यूजुअली एमएलए नहीं है, पहले उसमें एमएलए का भी एक होता है, लेकिन अब डायरेक्टली ये आपको ही देखना है, तो लोग अगर आप तक पहुंचना चाहें कोई जेन्युइन डिमांड लेकर, इसका तरीका क्या रहता है? फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है अपनी बस्ती में मुझे अब इस चीज की जरूरत है, तो क्या तरीका होगा कि हम आप तक पहुंचाएं? जी हाँ, तो इसके बारे में पहले मैं आपको बताऊं कि अभी हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप जो है बेसिक्स ग्रूट ग्रास रूट लेवल पे शुरू हो चुका है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि पंचायत इलेक्शन हुए हैं, बीडीसीज हुए हैं, बीडीसी सिलेक्ट हो गए हैं, इलेक्ट हो गए हैं, इस तरह से डीडीसीज भी सिलेक्ट हो गए हैं। तो हमारे पास जो भी इश्यूज हैं आज की डेट में, वो ये सारे पंचायत के जो पीआरआईज हैं वो लेकर आते हैं, बीडीसीज लेकर आते हैं, डीडीसीज लेकर आते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि आज की डेट में एक डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स प्रोग्राम भी बना हुआ है पीआरआईज का, जो पीआरआईज ने अपने वर्क्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं, या बीडीसीज ने जो अपने वर्क्स आइडेंटिफाई किए हैं अपने एरियाज के, जिन जिन एरियाज में से वो चुनकर आए हैं, या डीडीसीज ने जो वर्क्स अपने एरियाज के उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहां से जो उन्होंने वर्क प्रोग्राम दिया हुआ है, हम उस पे वी आर वर्किंग ऑन दैट, हम फिजिबिलिटीज उसकी देख रहे हैं। तो बड़ी जल्दी वो जो प्रोग्राम है डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स प्रोजेक्ट, जो कैपेक्स प्रोग्राम जो है वो जल्दी ही इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो इस तरह से लोगों की जो बहुत सारी डिमांड्स हैं, जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, मैं ये आपको जरूर कहूंगा कि जेन्युइन डिमांड, जो फिजिबल डिमांड्स हैं, वो सारी पूरी की जाएंगी। अब रहा कि कोई अगर आदमी डायरेक्ट आना चाहे तो डायरेक्ट भी हमारे से वो कनेक्ट हो सकता है, वो हमारे पास डायरेक्ट भी आ सकता है। हमारे जो सभी डिविजन्स हैं केपीडीसीएल के, उनके ट्विटर अकाउंट्स हैं, उस पर भी वो अप्रोच कर सकते हैं। अगर हमारे ऑफिस में फिजिकली कोई आना चाहे, ही इज आल्सो मोस्ट वेलकम, ही कैन कम देयर। इसके अलावा किसी और माध्यम से, सोशल मीडिया से, या किसी भी तरीके से हमारे पास कोई भी अगर वो अपनी डिमांड पहुंचाता है, तो वी डेफिनेटली लुक इनटू दैट। सिर्फ इतनी बात है कि वो टेक्निकली फिजिबल होना चाहिए। टेक्निकली फिजिबल वो आप देखेंगे, आप उसको फिर जाके, लेकिन पहली बात ये कि आप तक पहुंचे कैसे। तो एक यहाँ एक मैं और कमेंट एक देख रहा था आपके लिए, एक कोई शोभा गया, कोई आपकी स्कीम है क्या जो कंट्रैक्टर चलाते हैं? तो ये कह रहे हैं सर उनके कंट्रैक्टर्स की पेमेंट नहीं हो रही है। जी जी जी, सौभाग्य स्कीम सर, मैं इसके बारे में ये आपको पूरी डिटेल से बताऊं कि ये सौभाग्य स्कीम 2017 में शुरू हुई थी, तो 2019 मार्च में ये स्कीम जो है क्लोज हो चुकी है। इसमें सारी हैबिटेशन जो शुरू में ही आपने बात की थी, इसमें वो सारी हैबिटेशन कवर की गई हैं जो अनइलेक्ट्रिफाइड थी। इसी स्कीम के तहत वो सारी हैबिटेशंस जो हैं वो इलेक्ट्रिफाई की गई हैं। तो अब इशू इसमें ये है कि इसके जो शुरुआत में जो पेमेंट हो गई थी, जो वर्क्स कंप्लीट हुए थी, वो उनकी पेमेंट्स तो हो गई थी, पर उसमें बाद में इसमें ये जो सारा इस स्कीम की इन्वेस्टिगेशन है, इट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन बाय एसीबी।
तो अभी इसी वजह से इन लोगों की, बहुत सारी लोगों की पेमेंट्स नहीं हुई हैं बिकॉज ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय द ACB। तो बड़ी जल्दी ये जो इसके हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका जो आउटकम है वो आ जाएगा और लोगों को पेमेंट हो जाएगी, पेमेंट हो जाएगी, लेकिन क्या ये सच है कि पिछली मार्च में फंड्स लैप्स हो गए? नहीं सौभाग्य स्कीम के कोई फंड्स सच लैप्स नहीं हुए हैं। हाँ कुछ वर्क्स जो कंप्लीट नहीं हो सके डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में या किसी और स्कीम में, वो फंड्स जरूर लैप्स हो हुए होंगे, मगर सौभाग्य स्कीम के ऐसा सच कोई लैप्सिंग नहीं। लैप्सिंग नहीं हुई। अब मैं अगले सवाल पे आ रहा है, ये बीच में हमारे दोस्त बीच में हमसे कनेक्ट होते हैं और हमसे बात करना चाहते हैं या आपसे बात करना चाहते हैं, तो उनको भी जवाब मिल गया। सर सर आपको याद दिला दूं कि पिछला विंटर आपको याद है, जी सर बिल्कुल, और बारामूला में भी ज्यादा नहीं, हालांकि शुमाल में कम असर रहा नॉर्थ कश्मीर में, लेकिन असर पड़ा। जी बिल्कुल जरूर, उस विंटर पे आप तबसरा करना चाहेंगे? जी हाँ बिल्कुल, मैं ये आपको बताना चाहूंगा जो 19-20 का 2019-20 का विंटर था, उसमें जो स्नोफॉल नवंबर में हुआ तो उससे बहुत सारा डैमेज हो गया हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम को, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। तो लगभग एक हफ्ते तक अगर हम देखें तो बहुत सारे हैबिटेशंस को, बहुत सारे गांवों को, बहुत सारे बड़े बड़े एरियाज को पावर सप्लाई इफेक्ट रहा। पर 2020 में गवर्नमेंट ने इस इश्यूज को बड़े सीरियसली लिया और बड़ी तैयारी से हमने पूरे समर में ही विंटर की तैयारी करनी शुरू कर दी 2021 की विंटर के लिए। तो उसके लिए सारियां तैयारियां की गई, गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दे दी कि आपको क्या क्या तैयारियां करनी है, इसलिए तैयारियां करनी है कि लोगों को मिनिमम इंटरप्शन हो। तो 2020-21 का जो विंटर रहा उसमें हम सारा KPDCL इसमें ये कामयाब रहा पूरे कश्मीर में कि लोगों को मिनिमम इंटरप्शन हुई, इवन के हैवी स्नोफॉल भी हुआ बहुत सारे एरियाज में, नॉर्थ में भी बहुत सारे एरियाज में हैवी स्नोफॉल हुआ, जो हमारा कंडी एरिया है, जो हमारा हाई रीचेस है उस पे। पर उसके लिए हमने पहले से ही तैयारी करके रखी थी विंटर के लिए कि जो रिमोट एरियाज हैं वहां पर मटेरियल पहले से ही हमने पहुंचा के रखा था। सबसे बड़ी बात यह थी कि हमने जो ब्रांच कटिंग ऑफ ट्रीज है जो हमारी लाइनों के साथ लगे हुए होते हैं, बड़ी थोड़े कम डिस्टेंस पे होते हैं, जब स्नोफॉल होता है तो वो सारे ट्रीज जो है वो लाइनों पे आके गिर जाते हैं या उनकी ब्रांच गिर जाती है जिससे हमारा नेटवर्क डैमेज हो जाता है। तो उसके लिए हमने एडवांस में ही ब्रांच कटिंग, प्रॉपर ब्रांच कटिंग की हुई थी, मटेरियल भी एडवांस में रिमोट एरियाज में अवेलेबल रखा था, जिसकी वजह से हम इस चीज में कामयाब रहे विंटर 2020-21 के लिए कि लोगों को हम बेटर पावर सप्लाई दे सके। तो मुझे लगता है ये एक बड़ी अचीवमेंट रही इस विंटर में कि लोगों को इतनी इंटरप्शंस नहीं देखनी पड़ी जितनी उनको प्रीवियस ईयर्स में देखनी पड़ी। वो बात तो गई, मगर मुझे बताया गया है यस ये कोई अफवाह नहीं है, एक और विंटर आने वाला है, उसके लिए तैयारी कैसी है? बिल्कुल सर, उसके लिए भी तैयारी हम सीरियसली, उससे पिछले साल से भी हमारी कोशिश रहेगी कि पिछले साल पिछले विंटर से भी जो आने वाला विंटर है उसमें हम बेटर लोगों को बेटर से बेटर पावर सप्लाई दे सकें, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं उनको पूरा कर सकें। उसके लिए जो भी तैयारी करनी है वो आज से ही हमने शुरू कर दी है, तो गवर्नमेंट भी इसके बारे में सीरियस है, ऑनरेबल LG साहब भी इसके बारे में इंस्ट्रक्शंस दे चुके हैं कि हमने कैसे इसको हैंडल करना है। हमारा सारा टॉप एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब इसके बारे में बड़े सीरियस हैं, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस पास ऑन किए हैं एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ योर मीटर्ड एरियाज? देखिए मीटर्ड एरियाज अगर हमारे कंज्यूमर बेस के हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं तो इट इज 25-30% कंज्यूमर्स हमारे मीटर्ड हैं, बाकी जो हमारे रूरल एरियाज के कंज्यूमर्स हैं वो अनमीटर्ड है। अनमीटर्ड है। वैसे प्रोग्राम क्या है कि कब तक ये पूरा आप मीटर के उस पे ले आए? देखिए जो हमने तो सारे कंज्यूमर्स को मीटर करना है, मगर उसके लिए पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करना है कि वो मीटरिंग के लायक हो सके। ये ना हो कि हम मीटर लगा दें किसी को गांव में जाकर और उसको थेफ्ट का प्रोविजन वहां पे रहे, या उसको वो मीटर रीडिंग प्रॉपरली वो मीटर के थ्रू पावर सप्लाई यूज ना कर सके। उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना है वो भी ध्यान में रखा जा रहा है, और मीटरिंग भी करने का जो है प्रोग्राम है वो भी हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है ताकि लोगों को बेटर। बीच में एक कमेंट आया, मैं आपसे जवाब नहीं मांगूंगा लेकिन आप तक पहुंचनी चाहिए। 2019 में जो सुनो के डैमेजेस हुए थे उन कंट्रेक्टर्स के भी कुछ पैसे अभी बाकी हैं, देख लीजिएगा ये क्या शिकायत है। हमें ये कमेंट भी मिल रहा है इस वक्त लाइव। एनीवेज मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ,
एक शिकायत जो जनरल है और बारामूला आपके एरिया से भी है, वो ये है कि विंटर हो या समर, कम या ज्यादा होगी लेकिन लोड शेडिंग हमारे यहाँ होती है। जी लेकिन मान लीजिए ये गांव ए है, इसमें पोजीशन बेहतर है, ये गांव बी है, इसकी पोजीशन पुअर है, ये जस्टिफाई नहीं होता। मतलब अगर मान लीजिए 7 घंटे हैं 24 आवर्स में, तो हर गांव अलग अलग ये देगा, लेकिन एक गांव में बिजली ही गायब है और दूसरे गांव में 5 घंटे हैं, तो जी जी ये क्या प्रॉब्लम चल रही है? जी हाँ, ये देखिए लोड शेडिंग के बड़े रीजंस रहते हैं। लोड शेडिंग का रीजन ये भी रह हो सकता है कि कहीं पर ग्रिड ओवरलोडेड हो, कहीं पर रिसीविंग स्टेशन ओवरलोडेड हो, कहीं पर हमारा 11 kV फीडर जो है वो ओवरलोडेड हो। तो ग्रिड ओवरलोडिंग का जहां तक ताल्लुक है, नॉर्थ कश्मीर में जो हमारा सबसे बड़ा ग्रिड है 220 kV लेवल पे, वो है दिलना ग्रिड। तो वहां पर जो ट्रांसफर पावर हैंडलिंग कैपेसिटी थी वो थी 160 MVA। तो इस साल वहां पे एक और 160 MVA ट्रांसफार्मर इंस्टॉल कर दिया गया है, कमीशन कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने उस पर बड़ा सीरियसली उसको देखते हुए इसको इम्प्लीमेंट करवा दिया है। तो वो जो ग्रिड की जो जो दिलना ग्रिड से हमारी 220 केवल लेवल पर जो उसकी वजह से जो लोड शेडिंग होती थी, वो इश्यू तो अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब इश्यू है जो सबसिक्वेंट ग्रिड्स हैं, जैसे हमारा बारामूला में शेरी ग्रिड है, जैसे हमारा बारामूला में अमरगढ़ ग्रिड है। इन एरिया से जहां पे पावर सप्लाई जाती है, उनका उन पर भी उन उन जगहों पर भी ऑगुमेंटेशंस के लिए हमारा जो KPTCL है, ट्रांसमिशन लाइन जो कारपोरेशन है, वो उस पे ऑगुमेंटेशन की उनने टेंडरिंग कर दी है। तो जो ही वहां पर भी काम कंप्लीट हो, इस विंटर से अगर पहले ही हो जाता है, जो कि उम्मीद है, तो वो जो ग्रिड की वजह से जो अगर लोड शेडिंग कहीं पर होती है ओवरलोडिंग की वजह से, तो वो भी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा रहता है रिसीविंग स्टेशंस को आर्गुमेंट करने की, जो रिसीविंग स्टेशन हमारे वेरियस रिसीविंग स्टेशन हैं उन पर जो ओवरलोडिंग रहती है, तो उसके लिए भी जो हमारी सब ट्रांसमिशन हमारा डिवीजन है, जो हमारी सिस्टर विंग है, उन लोगों ने भी आर्गुमेंटेशन के अपने प्रोग्राम बनाए हैं और वो डिफरेंट जगहों पे ट्रांसफार्मर्स को आगो रिसीविंग स्टेशन में आर्गुमेंट किया जा रहा है। तो जो रिसीविंग स्टेशन की जहां जहां आर्गुमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी, वहां पर वो कॉन्स्टेंट जो है ग्रिड का जो रिसीविंग स्टेशन कॉन्स्टेंट है ओवरलोडिंग का, वो भी हल हो जाएगा। इसके अलावा फिर रहता है कि हमारा जो 11 kV फीडर्स ओवरलोड रहते हैं, हालांकि अग्रीमेंटेड लोगों के हिसाब से अगर हम देखें तो उसमें ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए, पर चूंकि लोग अनमीटर्ड एरिया में बहुत ज्यादा लोड इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, अपनी अग्रीमेंट से ज्यादा यूज करना शुरू कर देते हैं, तो उससे 11 kV लाइनों पर भी ओवरलोड हो जाती है। तो उसके लिए भी जो 11 kV लाइन्स है, किसी अगर ओवरलोडेड है, कैपेसिटी से ज्यादा बढ़ गया है, तो उसको सेग्रीगेट करने का प्रोग्राम भी हमने बना लिया है। तो जैसे ही उसके लिए फंडिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स आ जाते हैं, तो वो भी टेकअप किया जाएगा। इसलिए उस तरीके से जो आपका ये कहना है कि जो डिफरेंट बस्तियां एक गांव में है दूसरे का, वो उसका या एक एरिया में 12 घंटे है, दूसरे एरिया में 14 घंटे पावर सप्लाई दी जाती है, उसका रीजन यही रहता है कि लोकल कॉन्स्ट्रेंट्स रहते हैं। तो ये लोकल कॉन्स्ट्रेंट्स को भी एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट के पास बड़ा इसको सीरियसली लिया हुआ है, डिपार्टमेंट ने सीरियसली लिया हुआ है और उस पर काम चल रहा है। अच्छा, बिलिंग का जो निज़ाम है जो डिजिटलाइज हो गया है, अब आप कंप्यूटर पे आ चुके हैं, ऑनलाइन भी हो सकता है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कभी कभी बिल ऐसे आ जाती है कि सारे का मुंह खुला का खुला रह जाता है, और अक्सर शिकायत ये है कि बिल जेन्युइन नहीं आता, बिलखुसूस मीटर्ड इलाकों में। देखिए, इसमें मैं आपको ये बात बोलूं कि हमारे पास एक सिस्टम रहता है कि रिसीविंग स्टेशन से जो पावर सप्लाई किसी किसी इलाके को दी जाती है, तो उसकी मीटरिंग वहीं पर रिसीविंग स्टेशन में ही हो जाती है। मान लीजिए कि एक फीडर है हमारा, जो कि मान लीजिए हमारा इस्लामाबाद उड़ी को एक फीडर पावर सप्लाई करता है, तो उसका जो रिसीविंग स्टेशन है इस्लामाबाद में है, तो वहां पे इस्लामाबाद रिसीविंग स्टेशन में मीटर लगा हुआ है, तो वहां से हम को पता चल जाता है कि इस्लामाबाद एरिया को हमने इस फीडर से कितने यूनिट्स दिए। मान लिया हमने 1 लाख यूनिट्स दिए, तो जब हम उस अगर वहां पे मीटर्ड एरिया है, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देके आप, अगर वहां पे मीटर्ड एरिया है, तो जब हम मीटर एरिया में जो रीडिंग देखते हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं होती हैं, उसकी रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं कि मीटर टेम्परिंग की जाती है, बैक हुकिंग किया जाता है, मीटरों को बाईपास किया जाता है, तो उसके लिए हमारी टीम्स जो हैं इंस्पेक्शन करती हैं टाइम टू टाइम, और उनको फाइन भी किया जाता है और उनको
पेनल्टी के तौर पर उनको जो है वो बिल थोड़ा सा ज्यादा आता है फाइन में, ज्यादा आ तो जाए। उस चीज को लोग इनअप्रोप्रिएट समझते हैं, उस चीज को वो अनजेन्युइन कहते हैं, पर एक्चुअली वो अनजेन्युइन नहीं होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी लोगों ने यूज की होती है। अगर एक फीटर पर 1 लाख यूनिट जा रहा है, लॉसेस को अगर मैं निकाल लूं, बाकी चीजों को निकाल लूं, तो कम से कम मेरे को 60 से 70 हजार यूनिट्स जो हैं वो बुक होने चाहिए, पर वहां पर 10 हजार या 20 हजार यूनिट्स ही बुक होते हैं। तो नेचुरली जो स्टाफ रहता है उसके लिए फिर हमारी टीम्स बनती हैं, लोकल लेवल पर इंस्पेक्शन करते हैं, जाकर चेक करते हैं, तो वो जो चेक करते हैं फिर वो उसकी जब एंट्री होती है तो वो लोगों को जब बिल थोड़ा बढ़ के जाता है तो दे टेक इट एज ए अनजे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी जाती राय, ये जरूरी नहीं आप इससे इत्तेफाक करें, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, ये डिपार्टमेंट लेबर से, डेलीवेजर से और मजदूर से चलता है। मैंने विंटर में उनको काम करते देखा है, पोल बिल्कुल पे सर, चढ़ते देखा है, जी और हमेशा वही बेचारा परेशान भी रहा। जी मेरा सवाल पहला ये है कि जिस बच्चे को, जिस डेलीवेजर को आप पोल पर चढ़ाते हैं, रिसेंटली भी एक एंक्वायरी आपके इलाके में पेंडिंग है, जी जी मुझे नहीं पता सच क्या है गलत क्या है, लेकिन पेंडिंग है, एक हादसा हुआ। ये हादसे रोकने के लिए, इन मजदूरों की जिंदगी को बचाने के लिए क्या कोई स्कीम नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं? जी हाँ, मैं इसके बारे में तला साहब आपको बताऊं कि सिस्टम पे काम करने के लिए, एक्सीडेंट्स को बचाने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में वाजिया तौर पे बताया गया है कि कैसे किसी लाइन पे काम करने से पहले कौन कौन एहतियात देखने, कौन से प्रिकॉशंस हमने लेने हैं, क्या लेनी बिल्कुल क्या क्या सिस्टम हमने अडॉप्ट करना है, उसके लिए एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम उसमें एसओपीज हैं, उसको फॉलो करना है। दूसरी बात यह है कि अगर लाइन पे काम करना है, कहीं पर हमने काम करना है, तो उसके लिए सेफ्टी इक्विपमेंट्स फील्ड वर्कर्स को भी देने हैं। हालांकि मैं आपको ये बात बताऊं कि 2020 से पहले इतना स्ट्रेस उस पर नहीं था सेफ्टी इक्विपमेंट्स पर 2020 से इसको बड़ा सीरियसली लिया गया, और गवर्नमेंट, वी आर वेरी थैंकफुल टू अवर हायर अथॉरिटीज कि उन्होंने इसके लिए कुछ फंड्स भी मखसूस करवाए, कुछ हमको इंस्ट्रक्शंस भी बड़ी स्ट्रिक्टली दी कि नहीं, आप डिविजन में सेफ्टी इक्विपमेंट को प्रिक्योर करके फील्ड स्टाफ को प्रोवाइड करना है। तो हमने पिछले साल बहुत सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए, हालांकि मैं ये क्लेम नहीं करूंगा कि वो सफिशिएंट मैंने प्रोवाइड किए हैं, पर इक्विपमेंट्स जो हैं वो हमने प्रोक्योर किए हैं और फील्ड स्टाफ को प्रोवाइड किए हुए हैं। अब साथ में साथ हमको ये भी करना पड़ रहा है, बड़ा जरूरी है कि स्टाफ को मोटिवेट करना पड़ रहा है कि वो सेफ्टी इक्विपमेंट्स को यूज करें। तो बहुत सारे समय पर ऐसा देखा जाता है कि वो उसको यूज नहीं करते हैं, हालांकि उनके पास वो होता है, उनको प्रोवाइड किया गया, जैसे हेलमेट्स हैं, जैसे सेफ्टी बेल्ट है, वो सेफ्टी बेल्ट बांध के अगर कोई पोल पे चढ़ेगा, अगर उसको वहां पे कुछ किसी वजह से स्लिप हो जाएगा या शॉक भी कहीं, अगर बाय द वे जो कि नहीं लगना चाहिए, लग भी जाए, तो तब भी वो नीचे गिर, क्योंकि ज्यादा इंजुरी जो हो जाती है एक्सीडेंट्स में वो फॉल की वजह से हो जाती है। जब वो पोल से ऊपर एक हाइट से एक वर्कर गिर जाता है तो उससे बहुत ज्यादा डैमेज, उसको फेटल डैमेज हो जाता है। तो वो अगर वो बेल्ट को बांध के रखे तो वो उसने ये चीजों के लिए वर्कशॉप ये किए जा रहे हैं, इन चीजों के लिए वर्कशॉप दलवीर किए जा रहे हैं, और स्टाफ को अवेयर किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है कि वो इसको सर, सेफ्टी को यूज करें। दलवीर सर, पहले तो खुशी हुई कि ऐसा कुछ हो रहा है, चलिए कुछ तो अब किया जा रहा है कि उनको इक्विपमेंट दिया जा रहा है या इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे पहले, पिछले विंटर की ही बात है, मुझे बड़ा अफसोस होता था देखकर कि आज के जमाने में वो लकड़ी की सीढ़ी लेकर 4 लोग जा रहे हैं और फिर उन्हें आपकी लाइन ठीक करनी है। अभी कुछ ज्यादती नहीं है कि इस जमाने में वो पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जा रहे हैं और इस जमाने में वो कटर की जगह वही पुरानी कुल्हाड़ी और वही सीढ़ी जो शायद 1860 की है इजाद हुई, लेकिन अब अगर बेहतरी आ रही है अच्छी बात है, लेकिन कंपनसेशन, अब एक मजदूर, वो आपका डिपार्टमेंट का मुलाजिम नहीं है, लेबर है, कैजुअल लेबर है या डेलीवेजर है, कंपनसेशन का क्या तरीका है? जी हाँ, इसके इसके बारे में मैं ये आपको बता दूं कि हमारा एक रिलीफ फंड रहता है, उसमें से भी उनको कंपनसेट किया जाता है। मगर सबसे बड़ी इस साल गवर्नमेंट, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब की बड़ी कोशिशों के बावजूद, बड़ी इंस्ट्रक्शंस के बावजूद,
हमने ये किया है कि जो हमारे कैजुअल लेबर्स हैं या नीड बेस्ड लेबर्स हैं या पीडीएल टीडीएल स्टाफ है, उनके लिए दो इंश्योरेंस स्कीम्स हैं। एक स्कीम में उनको 30 रुपये ही सिर्फ साल में एक बार भरने हैं, तो उनको 2 लाख का इंश्योरेंस मिलता है उसमें। अगर कोई एक्सीडेंटली किसी को एक्सीडेंट में इंजोर हो जाता है तो उसको 2 लाख का इंश्योरेंस उसमें मिलता है। दूसरी स्कीम है, उसमें 345 रुपीज उनको भरने पड़ते हैं, उनकी वेजेस से कटते हैं, जिसमें उनको 2 लाख रुपया का इंश्योरेंस इन केस ऑफ डेथ भी मिलता है। तीसरी स्कीम है कि अगर हम उनको एक और स्कीम ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में कवर कर लेते हैं तो उसमें उनको 10 लाख रुपीज भी मिलता है। इसका मतलब यह है कि अगर हमारा कोई आदमी किसी वजह से डेथ हो जाता है तो उसके जो पीछे डिपेंडेंट्स रहते हैं तो उनके लिए जो इंश्योरेंस करके अगर हम उनको प्रोविजन करें तो 14 लाख का प्रोविजन उनके पास रहता है। तो रहता है। ये जी हाँ, इसका इन एडिशन टू दैट जो डिपार्टमेंटल रिलीफ कमेटीज रहती हैं, वेलफेयर फंड है, उसमें से भी उनको कंपनसेट किया जाता है। कंपनसेट किया जाता है। जी जी तो रिसेंटली जो हादसा हुआ उसे कंपनसेशन मिला। जी उसका ये जो हादसा हुआ, अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ हमारे यहाँ बारामूला एरिया में, वो जो हमारा वर्कर था उसका हमने दोनों इंश्योरेंस की, तीनों रादर तीनों स्कीमों में वो कवर्ड है और उसका हमने प्रोसेस करना शुरू कर दिया है। उसको 14 लाख रुपीज दो दो टू 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 10 लाख का जो इंश्योरेंस है उसके डिपेंडेंट्स को मिलेगा। माय लास्ट क्वेश्चन सर, माय लास्ट क्वेश्चन पर इंजीनियर सर के, हमारे अदरवाइज जो हमारे ये डेलीवेजन हैं, कैजुअल लेबर हैं जी जी या मुख्तलिफ स्कीमों के अंदर नीड बेसिस जितने भी हैं हमारे आपके यहाँ एम्प्लॉयड, तो उनके वेजेस उनको रेगुलरली मिल रहे हैं जी या बिल्कुल कुछ कुछ उसमें अभी? जी हाँ, इसमें मैं आपको बताऊं कि मई 2020 से पहले पेमेंट्स इनको रेगुलर नहीं मिला करती, पर गवर्नमेंट ने इसको बड़ा सीरियसली लिया और इस पे प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस पास की। तो मई 2020 से जो भी हमारे पास रजिस्टर्ड जेन्युइन नीड बेस्ड टीडीएल पीडीएल वर्कर्स हैं उनको हर मंथ रेगुलरली पेमेंट दिया जाता है रेगुलरली उनको। उनको पेमेंट जी दिया हाँ जाता है। बिल्कुल, डेफिनेटली हर मंथ उनको पेमेंट दिया जाता है। तो जी मैं ये उनके लिए एक अच्छी अब मोटिवेशन भी बन गया है उनका, उनके थ्रू उनके जो लाइफ को है उसको सस्टेन करने के लिए, नेचुरली वो क्योंकि काम भी करेगा। वो काम भी करते हैं और बड़ा अब वो तनदेही से ड्यूटी भी अपनी अंजाम देते हैं। शायद आपका ये फर्ज भी बनता है, आप उनका ख्याल रखेंगे क्योंकि वो बहरहाल फील्ड जो है ना वो उनके पास है और बहुत मेहनत करते हैं, हम भी देखते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, वो ही हमारे बाजू और टांगे हैं, उन्हीं की वजह से हमारा सारा सिस्टम चलता है, तो हमें उनका ख्याल रखना हमारा फर्ज बनता है, कोई एहसान वाली बात नहीं। मैंने बहुत सवाल पूछे, फिर भी कुछ रह गया हो और आप बारामुल्ला के अपने लोगों से कुछ कहना चाहते हो, प्लीज लास्ट पर मैं आपको आजादी देता हूं, जो आप बोलना चाहिए बोलिए। जी मैं अपने एस्टीमेड कंज्यूमर्स जो हैं, मेरे कंज्यूमर्स, मेरा जो एरिया जो मैं इसको मैं देखता हूँ, बड़े ही जी होश और बड़े ही रीजनेबल कंज्यूमर्स हैं, वो सारी बात को समझते हैं, दे नो इट फैक्ट्स कि हमारी बिजली की सप्लाई जो है ये हमारे लिए कितनी जरूरी है। सुबह उठने से लेके रात की सोने तक हमारा कोई भी ऐसा काम जो है वो बिजली के बगैर नहीं हो सकता है। हमारा मोबाइल चार्ज नहीं हो सकता, हमारा लैपटॉप नहीं चल सकता, हमारा किचन के जो काम है वो नहीं हो सकते, हमारे लॉन्ड्री के काम नहीं हो सकते, हमारे एंटरटेनमेंट के काम नहीं हो सकते। तो ये सारी चीजों को जो मेरे कंज्यूमर्स हैं वो बली भांति जानते हैं। मेरी सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट रहेगी सारे कंज्यूमर से कि बिजली का वो अगर कहीं पर भी उनको लगता है कि नाजायज यूज हो रहा है, चाहे उनके घर में हो रहा है चाहे किसी पड़ोसी में हो रहा है, वो काइंडली अपना रोल इसमें निभाएं ताकि बिजली का मिस यूज ओवर यूज ना हो, ताकि सब लोगों को बिजली मिल सके। अगर मैं अपने घर में मिसयूज बिजली का करता हूँ, हो सकता है मेरा हमसाए में किसी को पढ़ाई करने के लिए बिजली की बहुत जरूरत है उस समय, मगर मेरी वजह से ओवरलोडिंग हो जाती है, लाइन ट्रिप हो जाती है या ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाता है, तो ये मेरा एक अखलाकी फर्ज बनता है हर कंज्यूमर का कि वो इस चीज पर पाबंदी से कायम रहे कि जितना उसने अपना एग्रीमेंट डिपार्टमेंट के साथ करवाया है उस पर वो कायम रहे, उस पर वो बिजली चलाए। तो मैं आपको वसूख से कहूंगा, अगर एग्रीमेंट के हिसाब से लोग अपनी बिजली को यूज करेंगे तो कोई भी लोड शेडिंग की जरूरत ही नहीं है कश्मीर में, पर कश्मीर में हमको
मौसमी हालात की वजह से या बाकी कंपल्शन की वजह से बिजली की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो इतनी में यूं कहेंगे अपने जो इक्विपमेंट्स हैं उनमें डाइवर्सिटी लाएं, उनको एट ए टाइम ना यूज करें ताकि ओवरलोडिंग से बच सके, हमारे ट्रांसफार्मर डैमेज से बच सके, ताकि उन लोगों को कोई कन्वीनियंस ना हो। क्योंकि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि हमारा कोई कंज्यूमर यह कहे कि मुझे 2 दिन से बिजली नहीं है या 1 दिन से बिजली नहीं है या अभी मुझे बिजली की जरूरत थी तो अभी मेरे को पावर सप्लाई नहीं है। क्योंकि वी आर मेंट फॉर दिस कि उनको हम अच्छे से पावर सप्लाई दें, उनको हम रिलायबल पावर सप्लाई दें। उसके लिए जो उनसे कॉपरेशन बनती है, जो उनकी तरफ से कॉपरेशन है, वो जरूर बनवाएं। और प्लस साथ में ये बड़ा जरूरी है कि बिजली एक कमर्शियल कमोडिटी है, इसकी जो भी बिल है, जो भी हम अपना यूज किया है, वो बिल को वो टाइमली जरूर भरें ताकि इसको वो बैलेंस में रखते हैं। फिर इकट्ठा हो जाता है, फिर लिटिगेशन में भी लोग चले जाते हैं, किसी को 1 लाख रुपए जमा होता है कोर्ट में चला जाता है, किसी को फिर वो बोझ ऐसा बन जाता है कि वो पे नहीं कर पाता है। तो विद द रिजल्ट के वो इनकन्वीनियंट उनके लिए भी हो जाता है, उनके लिए भी एक दर्द सर बन जाता है, हमारे लिए भी बन जाता है। इसलिए मुझे मेरी सब लोगों से ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो अपना बिजली का नाजायज यूज ना होने दें, ना करें तो ना होने दें। अगर कहीं पर भी ऐसी बात है हमारी नोट्स में लाएं, हम उन लोगों को पोलाइटली भी समझाने की कोशिश करेंगे, अंडर लॉ भी समझाने की कोशिश करेंगे, अपनी बिजली की फीस भी जो है वो बाकायदा तौर से भरें। और ज्यादा से ज्यादा डिजिटली बिजली की भी फीस जो है डिजिटल मीन्स को यूज करके भरें ताकि इन कोविड के हालात में उनको बैंकों के चक्कर ना लगाने पड़े। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडीटी बारामूला दलवीर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो बारामूला के 5 सब डिविजन उसको देखते हैं, उनसे बात हुई। ये जनरल मामला है, यही श्रीनगर का मामला है, यही कुलगाम का मामला है, यही बातें तो एक जैसी हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि कहते हैं कि कुछ हो भी रहा है, स्कीमें चल रही हैं, कोशिशें की जा रही हैं। उम्मीद बाकी रहती है कि शायद जो पिछले साल प्रॉब्लम थी अब नहीं होगी और जो अभी है वो आगे नहीं होगी। इस उम्मीद के साथ हम ऐसे ऑफिसर्स को, अपने इंजीनियर्स को आपसे मिलवाते हैं कि कोई बात बने। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडीटी बारामूला के साथ ये गुफ्तगू अगर आपको अच्छी लगी तो हमारी गुजारिश होगी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यूट्यूब पर, वेबसाइट ऑनलाइन हमारी जो RNA की है उस पर, ट्विटर पे अवेलेबल हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें शेयर कीजिए ताकि हमें हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो और हम बेहतर काम करने की पोजीशन में आ जाएं। अपने मेज़बान तलहा जहांगीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। नासिर।